नमस्कार, मैं आज एक प्रोडक्ट खरीदा, बनिए के दुकान गया था, जिसमें एक दलिया लिया। मैं देखकर बहुत दंग रह गया। उस दलिये को पैकेजिंग को इस ढंग से उसमें लिखावट किया गया था, मैं देख के थोड़ा दंग रह गया। मैं सोचा उसे नहीं लूँ, लेकिन मुझे लेना पड़ा, ये सच दिखाने के लिए लेना पड़ा। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए, ये लिखावट देखिए जरा, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू। इधर देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ। और ये रुचि कंपनी की डालिया है, कंपनी का नाम है रुचि। अब ये बताइए, ये रुचि कंपनी क्या डालिया सिर्फ किसके लिए बना रही है? ये कंपनी जो डालिया बनाती है, रुचि कंपनी, ये किन के लिए बनाती है डालिया? यहाँ सिर्फ इंग्लिश में और उर्दू में। तो भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनको उर्दू आती है, क्या समझेंगे ये? आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी लिख सकते हैं, चले वो माने हिंदी से आपको एलर्जी है, हिंदी नहीं लिखते हैं तो सिर्फ इंग्लिश ही लिखते, जो कि हर स्टेट में चलता है। मानते हैं हिंदी से बहुत देश में, बहुत स्टेट में एलर्जी है, बहुत कोई नहीं पसंद करते हैं, तो फिर ये क्यों? ये कौन से देश के लोग जानते हैं? कितने यहाँ पे जानते हैं अरबियन भाषा, यहाँ पे कितने जानते हैं ये बताइए। ये देखिए, मैं क्या समझूंगा या आप क्या समझेंगे इसमें से? आप इसका मतलब समझ जाएंगे, बट इसका मतलब क्या समझेंगे आप? यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये देखिए, सभी जगह उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी देख लेंगे। और ये इंदौर की पैकेजिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो दिखा रहा है इंदौर का, लाइसेंस नंबर है, सभी कुछ पैकेजिंग दिखा रही है, मैन्युफैक्चरिंग है, लाइसेंस नंबर है, फूड परफॉर्मेंस का नंबर, सभी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप कैसे समझेंगे ये प्रोडक्ट इंडियन है, इंडियन प्रोडक्ट है, ये कैसे समझेंगे? ये कहाँ बेचा जा रहा है? हो सके ये पाकिस्तान का पैकेजिंग हो, पाकिस्तान से सप्लाई आ रहा हो, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी कंपनी, ब्रिटानिया, टाटा या फिर मैगी या फिर कुछ भी, या कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, कोको कोला ले लो, कुछ भी, उसमें कहीं पे भी आपको ये इस लैंग्वेज का कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिंपल लिखे रहेंगे आपका इंग्लिश में, जो कि सभी पढ़ लेते हैं, सभी स्टेट में जाना जाता है, तो फिर ये उर्दू लिखने का क्या मतलब है? तो क्या ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को लेना चाहिए? एक तरफ सभी अभी एक ही नारे पे लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र, तो ये क्या, ये किस चीज़ का इशारा है, आप बताइए। ये देखिए, मैं ये नहीं लेता, लेकिन मुझे लेना पड़ा ये सच्चाई दिखाने के लिए, वरना मैं लेता नहीं इसे, मैं अभी तक इसे खोला भी नहीं हूँ। ये देखिए, मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा है, और इस कंपनी को जितना जल्दी हो सके आप लोग भी बैन करें। इसका, इस कंपनी का हर एक प्रोडक्ट, ये बहुत सारे चीज़ बनाती है खाने का, हल्दी से लेकर गरम मसाला तक हर एक चीज़ का ये सप्लाई करती है कंपनी। इस कंपनी का आप सामान ना लें, जितना से जल्द हो सके इसे बंद करें।
ये लैंग्वेज चुने तो उर्दू ही क्यों? तो क्या इनका कस्टमर सिर्फ उर्दू है? उर्दू लैंग्वेज वाला ही कस्टमर है इनका, तो वही ले भाई, हम लोग क्यों ले, हम लोग तो नहीं लेंगे। अब आप ही लोग गौर कीजिए इस पर, करना क्या है। अगर इनका कस्टमर सिर्फ यही है, अगर ये कंपनी ये सोच के बनाती है कि मेरा ये कस्टमर है तो सिर्फ यही लोग लेंगे, हम लोग तो इसे नहीं लेंगे। जय श्री राम। आप लोग देखिए इस वीडियो को क्या करना है, कैसे करना है, और आप लोग से भी निवेदन है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट आप लोग कभी ना लें, इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेना है। क्योंकि ये इस ढंग से जहाँ पे हिंदी चलना चाहिए, हिंदी नहीं देखे उर्दू दिए, चलो हिंदी मत दो, हिंदी नहीं देना है, इंग्लिश में रखो, सारे जगह उर्दू भर के रखे देखिए, तो हम लोग कैसे माने। एक तरफ सब कर रहे हिंदी को पहला ऊपर लेके जाने के लिए सोच रहे, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रहे, कैसे बनेगा ये? इधर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ये पॉकेट में जाएंगे, ये इस कंपनी के पॉकेट में जाएंगे, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, अपने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे पता नहीं। तो इससे अच्छा इस प्रोडक्ट को बायकॉट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।